खबर राजस्थान के नागौर से है, जहां खींवसर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि माटपुरा ग्राम पंचायत में अभी भी राजतंत्र की तरह ही काम किया जा रहा है। चुनाव के बाद आज तक पंचायत भवन का ताला नहीं खुला है। पंचायत में न ही सरपंच है और न ही ग्राम विकास अधिकारी, जिस वजह से ग्रामीणों को किसी भी काम के लिए सरपंच के घर जाना पड़ता है, जो 6 किलोमीटर दूर है। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने आज ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे। सर माटपुरा पंचायत में एक ग्राम सेवक दो ड्यूटी लाग दी है, ठीक है सर। और बाकी सरपंच है ड्राइवर नहीं, और सरपंच लाइक काम हुए ग्राम सेवक रहो, जब ग्राम सेवक वास्ते साइन कराना हुए वह सरपंच रहे घर जानो पड़े 7 किलोमीटर दूर। और बाकी आम आदमी समस्या है, और बाकी कोई पंचायत आप बंद रहे महीने में 25 दिन बंद रही है। माटपुरा सरपंच प्लस ग्राम सेवक दोनों भी प्रतिनिधि पंचायत के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन इसीलिए आम जनता को भटकना पड़ रहा है। सरपंच प्रतिनिधि और ग्राम सेवक दोनों सरपंच के घर पर बैठते हैं, और इनके बाद जिस किसी भी भाई को मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु भी भटकना पड़ रहा है। आम व्यक्ति के पास बाइक नहीं है, नहीं होने के कारण बार बार जाना पड़ता है, पैदल जाने में भी समय लगता है। करीब घर भी सरपंच प्रतिनिधि का 7 किलोमीटर दूरी पर है।